नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र में भारतेंदु युग इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग के महत्व को समझ सकेंगे। आधुनिक काल में गद्य विधा के प्रचलित होने के कारणों की पड़ताल कर सकेंगे। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के स्वरूप में हो रहे परिवर्तनों को लक्षित कर सकेंगे। भारतेंदु युग में गद्य की विविध विधाओं, निबंध, नाटक, आलोचना, पत्रकारिता और कथा साहित्य के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे और भारतेंदु युग में हिंदी कविता के स्वरूप के साथ सामाजिक राष्ट्रीय चेतना में आए परिवर्तनों को भी दृष्टगत कर सकेंगे। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का जो काल है वो भारतेंदु का काल माना जाता है और साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि गद्य काल, जैसे पुराना जितना भी साहित्य था वो पद्य काल था और आधुनिक काल का नाम ही आचार्य शुक्ल ने दिया ये गद्य काल है। वस्तुतः भारतेंदु युग हिंदी में विविध गद्य विधाओं के प्रवर्तन का काल है। इस समय हिंदी की लगभग सारी विधाओं का जन्म भारतेंदु युग में हुआ। दूसरी तरफ भारतेंदु को हिंदी में नव जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, जिसे राष्ट्रीय जागरण एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ जो आया। भारतेंदु एक व्यक्ति, वैसे तो एक व्यक्ति थे, लेकिन वो व्यक्ति के अलावा वो संस्था भी थे। उन्होंने अपने समान धर्मालेखकों का एक मंडल तैयार किया और वो मंडल भारतेंदु के महत्व को मानते थे और जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सब लोग भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। अपने समय के रचनाकारों के साथ मिलकर उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात किया और जब वो सूत्रपात कर रहे थे तब उनको एहसास था कि वो एक नए युग का सूत्रपात कर रहे हैं। ये नवीन युग काल, प्रवृत्ति, चेतना, विधा हर दृष्टि से नया था। नवीन युग की नई चेतना और विधा के वाहक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और इनका जो समय है वो सन 1850 से 1885 तक का है, इसीलिए सामान्य तौर पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध के साहित्य को भारतेंदु युग से माना जाता है। भारतेंदु की मृत्यु 1885 में हो गई थी, लेकिन उनके जो मंडल के लेखक थे वो बाद तक चलते रहे, इसलिए जब हम भारतेंदु युग कहते हैं तो उसका मतलब 1900 तक, या माधव प्रसाद द्विवेदी का जब ये युग शुरू होता है 1903 में आते हैं तो 1900 से द्विवेदी युग शुरू होता है, तो ये 1900 तक का ये जो समय है इस समय को हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग नई चेतना लेकर के आए और ये जो नई चेतना थी ये हिंदी की जो रीतिकालीन चेतना थी उस रीतिकालीन चेतना से मुक्त हुई और ये चेतना आधुनिकता से संपर्क थी और आधुनिक चेतना के निर्माण और विकास में उन युगीन परिस्थितियों का बहुत योगदान है, जिसमें भारत में अंग्रेजों का राज हो गया था, अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों का वर्चस्व था, हमारे उद्योग धंधे अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे, कृषि व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था, किसानों पर लगातार बोझ बढ़ रहा था, आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण दूर दूर तक था, रेल की पटरियां बिछा दी गई थी, देशी नरेशों से तरह तरह के समझौते हो गए और वहाँ की जनता से का शोषण वो कर रहे थे। इस दबाव के कारण, इस आर्थिक शोषण और राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ 1857 में एक व्यापक विद्रोह हुआ और जिसे हमारे हिंदी के जो इतिहासकार हैं वो भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के रूप में उसको जानते हैं। भारतेंदु उनके मंडल के लेखों पर इन युगीन परिस्थितियों का प्रभाव है। वो कहीं पर भी 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं करते, बहुत जोर से उनके पक्ष में नहीं कहते, लेकिन जो चेतना विकसित हो गई थी उस चेतना का प्रभाव हमें दिखता और इसलिए भारतेंदु के लेखों ने जो रीतिकाल की अतिशय सांगारिक चित्रण जो था वो नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, चमत्कार प्रदर्शन, ये सब उनको आकर्षित नहीं करता। इस युग के लेखकों ने देश की दुर्दशा पर चिंतन किया और इसलिए साहित्य में देशानुराग जो है वो कूट कूट करके भरा हुआ, एक नए तरह की राष्ट्रीय चेतना के जो प्रथम स्वर है वो हमें भारतेंदु साहित्य में परिलक्षित होते हैं। भारतेंदु साहित्य में चेतना के दो रूप हमें स्पष्ट तौर पर मिलते हैं, एक राष्ट्रीय, दूसरा सामाजिक। राष्ट्रीय चेतना के स्वर में अंग्रेजी राज और खास तौर पर अंग्रेजों द्वारा किया गया जो आर्थिक शोषण है उसका विरोध मिलता है। सामाजिक चेतना के स्तर पर आप देखें तो भारतीय समाज में जो फैली हुई तमाम बुराइयां और रूढ़ियां थी ये साहित्य उसका विरोध करता है, जैसे बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, नारी की अशिक्षा है,
धार्मिक पाखंड है, ऐसी अनेक सामाजिक कुरीतियों का खंडन भारतीय द्वीपीय साहित्य में का प्रधान लक्ष्य था और इसलिए भारतीय द्वीप सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य के में नव जागरण के अग्रदूत थे। भारतीय द्वीप के बारे में हिंदी के महान आलोचकों के मतों को भी अगर हम संक्षेप में जाने तो आचार्य रामचरण शुक्ल ने कहा कि भारतीय द्वीप ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे हिंदी साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। यद्यपि देश में नए नए विचारों और भावनाओं का संचार हो रहा था पर हिंदी उनसे दूर थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनका और भी विश्लेषण किया कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। रामविलास शर्मा भारतीय द्वीपीय साहित्य को गदर से प्रभावित मानते हैं और उसके जनवादी स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना यह कि भारतीय समाज के जो पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें वो सुधार भी चाहते थे और वे केवल राजनीतिक स्वतंत्रता स्वाधीनता का साहित्य नहीं था, ये मनुष्य की एकता समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। और भारतीय द्वीप स्वदेशी आंदोलन के अग्रदूत नहीं थे, वे समाज सुधारकों में प्रमुख भी थे। तो नव जागरण और आधुनिकता ये दोनों चेतना से संपर्क भारतीय द्वीपीय साहित्य सचमुच हिंदी साहित्य में एक नवीन युग का सूत्रपात करता है। नवीन युग की वैज्ञानिक चेतना, यंत्रों के विकास के साथ छापा खाने की मशीनों का प्रचलन, बढ़ते औद्योगिकरण, नगरीकरण, राष्ट्रीय राज्यों के उदय जैसी परिस्थितियों ने हिंदी साहित्य के गद्य को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी साहित्य के गद्य का ठीक से प्रादुर्भाव हुआ और ये गद्य साहित्य 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इतना प्रभावी हुआ कि वे कविता से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। भारतीय युग में पद्य पर गद्य की प्रधानता का बड़ा कारण गद्य में नवीन विधाओं का प्रादुर्भाव भी है। भारतीय युग में नाटक के पुनर्प्रचलन और कथा रूपों के नवागत प्रयोगों के साथ निबंध, आलोचना और पत्र पत्रिकाओं के संपादकीय जैसे नवीन गद्य रूपों का भी विकास हुआ। हम जानते हैं कि भारतीय युग से पूर्व का हिंदी साहित्य प्राय कविता का साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल का समूचा साहित्य कविता का, छिटपुट गद्य के नमूने मिलते हैं लेकिन बहुत कम है। भारतीय युग से ठीक पूर्व अर्थात 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा अध्यापकों के लेखन में हिंदी साहित्य में गद्य के विकास की कुछ वास्तविक नींव पड़ी, ऐसा हम कह सकते हैं। ये भाषा अध्यापक थे सदल मिश्र, सदा शुक्लाल, लल्लू लाल और इंसा लखम। इसके अतिरिक्त राम प्रसाद निरंजनी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह ने हिंदी गद्य के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे भारतीय युग में विकसित हिंदी साहित्य की जो मूल चेतना और प्रवृत्तियों का जो विकास है उसकी अब हम चर्चा करेंगे। भारतीय युग की एक विचित्र सी सच्चाई है कि इस युग में जो गद्य साहित्य लिखा गया वो खड़ी बोली में लिखा गया और कविता की भाषा इस युग में भी ब्रज भाषा थी और ब्रज भाषा जो पुरानी ब्रज भाषा चली आ रही थी। भारतेंदु और उनके सहयोगियों ने प्राय ब्रज भाषा में ही कविता लिखी। स्वयं उन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखने की कोशिश की लेकिन वे उसे संतुष्ट नहीं थे। हालांकि आज के आलोचक भारतेंदु की खड़ी बोली की कविताओं को अधिक महत्व देते हैं लेकिन स्वयं भारतेंदु नहीं देते, उनको लगता है कि उनसे कुछ ठीक से बन नहीं पड़ा। एक जगह उन्होंने लिखा कि मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं पर वह मेरे चितानुसार नहीं, उनके चित के अनुसार नहीं। वैसे वो भारतेंदु उर्दू में भी कविताएं लिखते थे और वो रसा उपनाम से कविताएं लिखते थे। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु युगीन ब्रज भाषा रीतिकालीन ब्रज भाषा से थोड़ी भिन्न है। भारतेंदु युगीन ब्रज भाषा पर युगीन नवीन चेतना, वैचारिकता और गद्यात्मकता का प्रभाव है। भारतेंदु युगीन कविता की ब्रज भाषा का गठन खड़ी बोली के काव्य गठन के अनुरूप है। एक और बात है, भारतेंदु ने रीतिकाल की परंपरा के अनुसार नहीं लिखा बल्कि उन्होंने कुछ भक्ति पर कविताएं लिखी और अधिकतर जो उनकी कविताएं हैं वो भक्ति पर कविताएं हैं और भक्ति पर ही कविताओं में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जो स्वर है वो हमें प्रमुख मिलता। इनके युग में जीवन, समाज और देश की समस्याएं कविता का विषय बनी, पहले नहीं बनी थी। अब से पहले जीवन की समस्याएं, समाज की समस्याएं या पूरे राष्ट्र की समस्याएं, इन पर कविता नहीं थी। भारतेंदु और उनके समकालीन कवियों ने तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत का जो आर्थिक दोहन हो रहा था, जो शोषण हो रहा था, उसको उजागर किया। भारतेंदु की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और वो सभी पुस्तकों में मिलती है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पे धन विदेश चली जात ये अति क्वारी। ये जो तनाव है वो भारतेंद में दिखाई देता है, जिसको कहते हैं कि कुछ आलोचकों ने विचारकों ने कहा कि राजभक्ति और देशभक्ति का द्वंद मिलता है। 1857 के बाद अंग्रेजों का सीधे सीधे विरोध करना बहुत मुश्किल था, इसलिए भारतेंदु में एक विशेष प्रकार की चतुराई हमको रचना के स्तर पर देखने को मिलती है। और इस चतुराई के कारण कहते हैं कि बाकी सब सुख साज है, सब बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारा पैसा बाहर चला जाता है, धन विदेश चला जाता है, ये बहुत खराब है। अब धन ना जाए ये अंग्रेज कैसे कर सकते हैं, धन के लिए तो आए थे, उनका तो साम्राज्य ही आर्थिक शोषण के लिए था। इसी को अगर छोड़ दें, इसी मूल पर भारतेंदु ने चोट की, और यही अगर अंग्रेज छोड़ दें तो ये कुछ बात बनेगी नहीं। इसलिए भारतेंदु ने इस मुद्दे पर कविताएं लिखी, अपनी युगीन चेतना का अनुरूप देश की दुर्दशा का भी चित्रण किया, और दुर्दशा का चित्रण करके राष्ट्रीय चेतना जागृत करने का अस्तुत प्रयास किया। भारतेंदु की जो जातीय चेतना के रूप में उन्होंने भाषा पर भी विचार किया, और उन्होंने कहा कि अपनी भाषा का विकास करो, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। जिस समय हिंदी भाषा का महत्व तो स्थापित होना था, जिस समय ज्ञान की चीजें आनी थी, उस समय भारतेंदु ने कहा सबसे पहले तो भैया भाषा विकसित करो, भाषा विकसित होगी तो सारी चीजें विकसित होगी। और इसलिए भारतेंदु की कविता में ये भाषा की चिंता आती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि देशभक्ति के साथ कभी कभी राजभक्ति का भी संयोग मिलता है, और ये जो राजभक्ति है ये कई बार ऐसा लगता है कि ये आड़ की तरह से काम करती है, ताकि उस आड़ में आप राष्ट्रीय चेतना का स्वर अभ्यक्त कर सकते। इस युग के जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि थे प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने भी भारत में का जो आर्थिक शोषण है उस शोषण को उजागर किया, और अंग्रेजों की थोड़ी सी पोल खोली। उनकी कविताओं में क्षोभ का स्वर बहुत मार्मिक है, देशभक्ति पर कविताओं में बहुत व्यंग्य करते हैं, और व्यंग्य की क्षमता बहुत मारक है। जैसे जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र जोय मिटे बदन कर श्याम रंग, जन्म सफल तब हो। देशवासियों पर भी वो व्यंग करते थे, और व्यंग करते हुए प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, सर्व सुलेत जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर की थे को तेज, भाषण करने के लिए हम तेज हैं, बाकी सारी चीजें तो ले जा रहे हैं अंग्रेज। इसी तरह बद्री नारायण चौधरी प्रेमगत इस युग के बड़े महत्वपूर्ण कवि थे, और उनकी कविता में जो गांव बहुत प्रधान मुख्य जीर्ण जनपद या दुर्दशा दत्तापुर में उन्होंने गांव की दुर्दशा का बड़ा ही यथार्थवादी चित्रण किया। बच्चन सिंह के अनुसार लघु खंड काव्य लिखने की शुरुआत यहीं से होती है। भारतीय युग के अन्य कवियों में जगमोहन सिंह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के उल्लेखनीय कवि माने जाते हैं। युगीन चेतना से इतर भक्ति परक और रीति परक ब्रज भाषा कविता का रूप भी भारतीय युग में प्रचलित रहा। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु की भाषा सरल सहज होने के साथ साथ व्रज भाषा की बहुत सी रूढ़ियों से मुक्त है। इस युग में कवियों ने लोक प्रचलित काव्य रुचियों को काव्य रूपों को अपना अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। भारतेंदु ने अमीर खुसरो जैसी पहेलियां और मुकरियां लिखी, प्रताप नारायण मिश्र ने लावनी और आला लिखा। भारतेंदु की मुकरियां खड़ी बोली में, गद्य पद्य की भाषा का अलगाव इस युग की खटकने वाली सच्चाई है, किंतु ये अधिक दिन तक चलने वाला नहीं था। भारतेंदु युग के अंत तक में श्रीधर पाठक खड़ी बोली में एकांतवासी योगी और जगत सच्चाई सार लिखकर ये संकेत दे चुके थे कि भविष्य में कविता की भाषा खड़ी बोली ही बनेगी। द्वैधी युग में ये चरितार्थ होते देखा, लेकिन भारतेंदु युग में ये मान लिया जाता था कि कविता की भाषा तो ब्रज भाषा ही है, यही कोमल कांत पदावली से युक्त है, खड़ी बोली थोड़ी कठोर है, कविता की जो है जो संवेदनशीलता है वो इसमें शायद अभ्यक्त नहीं हो सकती। इसलिए भारतेंदु के लेखकों ने इस पर प्रयास भी ज़्यादा नहीं किया, उन्होंने कहा कि चलो नहीं लिखी जा रही है तो आप ब्रज भाषा में अपनी कविता लिखो, और आपको जो नवीन बातें कहनी है उसके लिए तो आपकी भाषा है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं खड़ी बोली। भारतेंदु युग के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, और ये जरूरी प्रतिवाद करते हुए बच्चन सिंह ने कहा कि ऐसा है कि अगर नाटकों से न होता तो कैसे होता। भारतेंदु युग से पहले का जो हिंदी साहित्य है वो रीतिकालीन प्रवृत्तियों से युक्त दरबारी था, समाज की व्यापक समस्याओं से उनका सरोकार नहीं था,
भारतेंदु ने अपने युग में हिंदी साहित्य में नव जागरण की चेतना के साथ ही बृहत्तर सामाजिक समस्याओं को जोड़ा और नाटक लोक जागरण का सबसे सशक्त माध्यम है। और ये ध्यान रखें कि नाटक साक्षर और निरक्षर दोनों तरह की जनता, दोनों तरह के जो सहृदय हैं, जो रसास्वाद कर सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। और उस समय कितने अशिक्षित लोग हमारे देश में थे, शिक्षा का प्रचार कितना कम था, और इसलिए अगर जनता में सचमुच में जागृति आप करना चाहते हैं तो नाटक उसके लिए सबसे उपयुक्त विधा। भारतेंदु युगीन रचनाकारों ने युगीन चेतना के प्रकटीकरण के लिए नाटक विधा का बखूबी इस्तेमाल किया और विधाओं के विकास के रूप में नाटकों का पुनर्प्रचलन भारतेंदु युग की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता। अब आप ये भी देखिए कि जो नाटक है वो संस्कृत काव्य शास्त्र की बहुत पुरानी परंपरा और नाटक विधा बहुत प्रचलित थी हमारे। कालिदास तो संस्कृत के महान नाटककार है, और भी बहुत नाटक हुए। वो नाटक जो रीतिकाल में लगभग बंद हो गए थे, और इसी तरह भक्तिकाल में भी नाटकों का कोई, हिंदी में नाटकों का कोई रूप नहीं मिलता, इन्होंने आकर के वापस शुरू किया। और खड़ी बोली में रचित जो पहले नाटक को लेकर आज भी विवाद है, और ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा नाटक पहला। इस संदर्भ में विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंदन और भारतेंदु के जो पिता है गोपाल चंद, उन्होंने नहुष लिखा। राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला का अनुवाद किया, इसकी बहुत चर्चा होती है। भारतेंदु ने काफी संख्या में मौलिक नाटक लिखे, उन्होंने अनुवाद भी किया, संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी के नाटकों का अनुवाद किया। शेक्सपियर का पहला अनुवाद उन्हीं के समय हुआ। उनके मौलिक नाटकों में एक तरफ अतीत का गौरवगान है तो दूसरी तरफ समसामयिक समस्याओं का चित्रण, और उन्होंने युगानुरूप नई नाट्य परंपरा की शुरुआत भी की। भारतेंदु के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा में देश की तत्कालीन दशा को लेकर गंभीर चिंता झलकती। इससे स्पष्ट होता है कि अंग्रेज राज सुख साध सबे सब भारी, ये पे धन विदेश चली जाती है अति भारी, ये नाटक का कथन है। विशेष विश्वमोसदम में देशी रियासतों के कुचक्रों की झांकी। अंधेर नगरी भारतेंदु का अत्यंत चर्चित नाटक है, इसमें तत्कालीन शासन व्यवस्था पर अत्यंत तीखा व्यंग किया गया। लोक कथा और लोक रूपों का बेहतरीन प्रयोग करके इसमें सत्ता की विवेकहीनता को उजागर किया गया। भारतेंदु युग में भारतेंदु के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी जैसे नाटककार हुए, और उन्होंने भी नाटकों के माध्यम से इस चेतना का प्रसार किया। नाटकों के प्रति भारतेंदु युगीन साहित्यकारों का रागात्मक झुकाव भी था। श्रीनिवास दास ने रणधीर, प्रेम मोहिनी, तृप्ता स्मरण और संयोगिता स्वयंवर जैसे नाटकों की रचना की जो बहुत चर्चित हुई। प्रताप नारायण मिश्र ने कली कौतुक शीर्षक से एक नाटक लिखा। श्री राधाचरण गोस्वामी के दो प्रहसन तन मन गोसाई जी को अर्पण और बूढ़े हूँ मुहा से उल्लेखनीय। पहले प्रश्न में धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं को उजागर किया गया। बूढ़े मुंह मुहासे में पर नारी गमन के दुष्परिणामों को रेखांकित किया गया। यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतेंदु युग के रचनाकारों में युगीन चेतना को व्यक्त करने के लिए नाटकों को माध्यम बनाया। नाटकों के प्रति उनकी रुझान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतेंदु के साथ उनके मंडल के अन्य लेखक जरूरत पड़ने पर वे स्वयं ही उन पात्रों की भूमिका का निर्वाह करते थे, वो मंच पर चले जाते थे, अभिनय भी करते थे। इसलिए भारतेंदु युग के लेखकों का औजार था नाटक। नाटक के अतिरिक्त भारतेंदु युग के लेखकों ने पत्र पत्रिकाओं को भी युगीन चेतना के प्रचार और प्रसार का औजार बनाया। भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाएं युगीन चेतना के वाहक है। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने साहित्य को समृद्ध किया और देश सेवा भी की। भारतेंदु युग के प्राय सभी महत्वपूर्ण साहित्यकार स्वयं ही पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करते थे। इस युग में 2 दर्जन से अधिक पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। इसमें साहित्यिक रचनाओं के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर भी विचार और टिप्पणियां होती थी। इस पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील की और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की। सन 1873 उन्होंने हरिश्चंद्र मेघजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। हिंदी नई चाल में ढली की ऐतिहासिक घोषणा उन्होंने इसी में की। बाद में उन्होंने इस पत्रिका का नाम बदलकर हिंदी हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। सन 1874 में भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिका भी प्रकाशित की। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नाम की एक पत्रिका निकालते थे। बाल कृष्ण भट्ट का पत्र हिंदी प्रदीप बहुत प्रसिद्ध और आदरणीय पत्र हिंदी समाज में रहा।
इनका संपादक उन्होंने 1872 में प्रारंभ किया। अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए भी वे उसे 33 वर्षों तक निकालते रहे। देश प्रेम का जैसा उत्साह इस पत्र में दिखलाया था वैसा अन्यत्र बहुत कम देखने को मिलता। उन्होंने राजभक्ति और देशभक्ति की खिचड़ी पसंद नहीं थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका निकालते थे। उन्होंने बाद में नागरी नीरज नाम का पत्र भी निकाला। इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अंग्रेज नीति का भंडाफोड़ किया और कर से पीड़ित जो किसान थे उनके क्लेश का वर्णन किया। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री हुआ करते थे। उन्होंने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत श्रम किया। उन्होंने हिंदी दीप्त प्रकाश नामक संवाद पत्र और प्रेम विलासिनी नामक पत्रिका निकाले। इस दौर के उल्लेखनीय पत्रों में भारत मित्र, मित्र विलास, उचित वक्ता, सार सुधा निधि, भारत बंधु आदि बहुत महत्वपूर्ण। काला कांकर के देशभक्त राजा रामपाल सिंह हिंदुस्तान निकालते थे। इनके संपादकों में पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े चिंतक विचारक थे, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त आदि थे। इस तरह भारतेंदुयुगीन पत्रिका पत्रकारिता एक साथ साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी मोर्चों पर देश और समाज की सेवा का संकल्प लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यदि गद्य कवियों या लेखों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। उनके अनुसार भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। भारतीय युग में निबंध का विकास अनिवार्य रूप से पत्र पत्रिकाओं से जुड़ा हुआ और इसीलिए ये साहित्यकार अपने सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए अपने विचारों का प्रसार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे और पत्र पत्रिकाओं में इस प्रचार के लिए निबंध सर्वाधिक उपयुक्त विधा थी। निबंधों का वे विचारात्मक लेखों से बड़ा गहरा संबंध था। भारतेंदु युग के रचनाकार जीवंत अभिव्यक्ति के धनी थे। रचनाकारों के व्यक्तित्व की छाप सीधे सीधे उनके निबंधों में दिखाई देती है। उनके व्यक्तित्व की अनौपचारिकता, व्यंग, विनोद, हास परिहास, वृत्ति और मस्ती उनके निबंधों में दिखाई पड़ती है। भारतेंदु ने अनेक प्रकार के निबंध लिखे। ऐतिहासिक निबंध लिखे, धार्मिक निबंध लिखे, साहित्यिक लिखे, आख्यान परक लिखे, भाषा परक लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, विचारात्मक निबंध लिखे और उनके निबंधों में वैचारिक अंतर विरोध भी कभी कभी देखने को मिलता है। विशेष रूप से उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा उनके निबंधों में कई बार दिखाई देती है। धर्म के संबंध में उनकी धारणा मूलतः प्रगतिशील थी लेकिन वो कई बार धार्मिक दृष्टि से भी देखते थे। देशभक्ति और राजभक्ति के बीच के अंतर विरोध के स्वर भारतेंदु के निबंधों में भी परिलक्षित होते हैं। ये सभी धर्मों और संस्कृतियों के मेल जोल से राष्ट्रीय जागरण और एकता पैदा करना चाहते थे। स्वदेशी पर उन्होंने बल दिया। अपनी भाषा के प्रति भी उन्हें अत्यधिक प्रेम था। स्वर्ग में विचार सभा और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती जैसे उल्लेखनीय विचार और निबंधों में व्यक्त हुए। बाल कृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। बाल कृष्ण भट्ट व्यंग्य विनोदपूर्ण निबंध लिखते थे तो दूसरी तरफ विचार प्रधान और मनोवैज्ञानिक। बच्चन सिंह के शब्दों में उनके भय, दृढ़ता, प्रेम और भक्ति आदि निबंधों का विकास शुक्ल जी के मनोवैज्ञानिक निबंधों में देखा जा सकता है। गद्य काव्य के आदि आचार्य वे ही हैं। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाव और मनोविकास संबंधी निबंध लिखे। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का स्वर भारतेंदु की तरह है। उनके निबंधों में व्यंग्य की पेनी धार हमको दिखाई देती है। गंभीर विषयों पर लिखते समय भी उनकी भाषा व्यंग्य विनोदपूर्ण और पूर्वीपन से युक्त है। उनके निबंधों में बात, भू, मनोयुग, समझदार की मौत ये शीर्षक है आदि बहुत महत्वपूर्ण। भारतेंदु युग के अन्य निबंधकारों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन और राधाचरण गोस्वामी उल्लेखनीय है। राधाचरण गोस्वामी का निबंध यमलोक की यात्रा बहुत प्रसिद्ध हुआ। निबंध के साथ ही भारतेंदु युग में आलोचना का भी सूत्रपात होता। इस युग के साहित्यकार पत्र पत्रिकाओं में साहित्यिक, सामाजिक विषयों या कृतियों में जो विचार प्रकट करते थे वस्तुतः उसी से हिंदी आलोचना का प्रारंभ माना जाना चाहिए। भारतेंदु ने नाटक नामक एक निबंध भी लिखा और उस नाटक निबंध में उन्होंने नाटक के बारे में कई मौलिक विचार किए। इसमें उन्होंने बताया कि नाटककार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेमगन ने बाण भट्ट पर एक भावुकतापूर्ण प्रशस्ति परक लेख लिखा था। श्रीनिवास दास ने संयोग्यता स्वयंवर नाटक को लेकर पुस्तक समीक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक वाद विवाद उसम हुआ। प्रेमगन ने अपनी पत्रिका आनंद कादम्बिनी में संयोग्यता स्वयंवर की समीक्षा की। बाल कृष्ण भट्ट ने छच्ची समालोचना शीर्षक से अपनी पत्रिका हिंदी प्रतीप में इसकी समीक्षा की।
बच्चन सिंह के शब्दों में वास्तविक आलोचना का समारंभ बाल कृष्ण भट्ट के निबंधों में हुआ। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना। धर्म, राजनीति और साहित्य के प्रति बाल कृष्ण भट्ट का जो दृष्टिकोण है ये बहुत यथार्थवादी था। उन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्तियों और परिपाटी युक्त शैली पर प्रहार किया। भारतीय युगीन आलोचना यद्यपि अपने प्रारंभिक रूप में है लेकिन अपने तेवरों से वे सुखद भविष्य का संकेत देती। भारतीय युग में प्राचीन कथा आख्यान की परंपरा भी दिखाई देती। इसके साथ ही इस युग में आधुनिक ढंग के उपन्यास का भी उदय हुआ। यद्यपि उपन्यास और कहानी के ढांचे को लेकर इस युग के रचनाकार स्पष्ट नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक एक कहानी लिखनी शुरू की थी लेकिन वे इसे पूरी नहीं कर पाए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को कुछ लोग कहानी कह सकते हैं लेकिन ये आधुनिक ढंग की कहानी नहीं है बल्कि प्राचीन परंपरा का कथा आख्यान है। भारतेंदु का ध्यान उपन्यास लिखने की ओर भी गया था। वे चाहते थे कि कोई रचनाकार उपन्यास लिखे। हिंदी उपन्यास की परंपरा को देवरानी जिठानी की कहानी जो 1870 में छपा या वामा शिक्षक जो 1872 में छपा, भाग्यवती भी 1872 में छपा, इससे लोग जोड़ते हैं लेकिन उसमें औपन्यासिक तत्वों का अभाव है। रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना। इस उपन्यास में मध्यवर्गीय जीवन के यथार्थ चित्रण के साथ नव जागरण की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रेमचंद का जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है उस आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की जो का जो प्रारंभ है वो इस युग के उपन्यासों में मिलता है। भारतीय युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में बालकृष्ण भट्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इनके दो उपन्यास बड़े प्रसिद्ध हैं, नूतन ब्रह्मचारी और सो अजान एक सुजान। ये मूलतः शिक्षा परक और सुधारवादी। ये उपन्यास यथार्थ चित्रण और व्यंग्य विनोद से युक्त है। इस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकी नंदन खत्री। उनका उपन्यास चंद्रकांता इतना लोकप्रिय हुआ कि तिलस्मी उपन्यासों की धूम मच गई। और दूसरा जो उपन्यास है चंद्रकांता संतति वो भी बहुत लोकप्रिय हुआ। ये उपन्यास घटना प्रधान, रोमांस पैदा करने वाले तथा मनोरंजन प्रधान है। कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी, यानी किन लोगों ने जिनको पहले सिर्फ उर्दू आती थी, उन्होंने जब ये देखा कि एक ऐसा उपन्यास आया है तो उसके लिए उन्होंने हिंदी सीखी। तो देवकी नंदन खत्री का हिंदी भाषा के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। खत्री जी ने तिलस्मी उपन्यासों की तर्ज पर जैसा वो लिखते थे, गोपाल राम घेमरी ने भी कुछ जासूसी उपन्यास लिखने शुरू किए और अपने उपन्यासों के प्रकाशन के लिए उन्होंने जासूस नाम के एक पत्र का भी प्रकाशन किया। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी इस युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार है। गोपाल राम घेमरी ने लगभग 200 और किशोरीलाल गोस्वामी ने 60 से अधिक उपन्यासों की रचना की। सोचिए उस जमाने में भी इतने बड़े लेखक थे। किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक, ऐतिहासिक, अय्यारी, तिलस्मी, जासूसी सभी तरह के उपन्यास लिखे। मेहता पंडित लज्जाराम शर्मा का धूर्त रसिकलाल, राधा कृष्ण दास का निस्साय हिंदू, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का ठेठ हिंदी का ठाट, ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न, अंबिका दत्त व्यास का आश्चर्य वृतांत इस युग के उल्लेखनीय उपन्यास है। भारतीय युग हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस काल में हिंदी साहित्य नवीन युग की आधुनिक चेतना के साथ नव जागरण की भावना से ओतप्रोत है। हिंदी साहित्य रसिक दरबार की कारा से मुक्त होकर के जनता तक पहुंचता है। लोक भाषा के रूप में प्रचलित खड़ी बोली हिंदी साहित्य की वाहक बनती है। हिंदी साहित्य में अनेक गद्य विधाओं का प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय युग में नव जागरण की चेतना जो एक तरफ सामंती मूल्यों से संघर्ष करती थी और दूसरी तरफ साम्राज्यवादी ताकतों से भी संघर्ष करती थी। भारतीय युगीन रचनाकारों का साहित्य के माध्यम से जनता के लिए किया जाने वाला संघर्ष अप्रतिम है। इस तरह हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का जो वास्तविक शुरुआत है वो भारतीय युग से होती है। भारतीय युग से पहले भी हमें थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है लेकिन उन्होंने ही आधुनिक साहित्य का प्रारंभ किया। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि खड़ी बोली गद्य एक नई भाषा आपके सामने रखी और जिसमें गद्य लिखा जाने लगा और वो गद्य आज हमारी खड़ी बोली जो आज की जो हमारी हिंदी है उस हिंदी का जो मूल उत्स है वो हमको भारतेंदु के गद्य में मिलता। भारतेंदु युग में कविता की भाषा तो प्रधान थे, ब्रजभाषा थी लेकिन वे रीतिकालीन जो ब्रजभाषा थी उसे थोड़ी अलग थी और थोड़ा सा रूप उसमें बदल गया। इसी तरह इस युग में नाटकों का पुनर्प्रचलन हुआ और ये साहित्य के इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। निबंध और आलोचना का विकास अपने आरंभिक दौर में था
लेकिन पूर्व पाठ्य पीठिका के रूप में उनका महत्व असंदिग्ध है। आलोचना का भी विकास हुआ, साहित्य की समझ भी विकसित हुई, पत्र पत्रिकाएं भी हमारे सामने आई। तो आज जो हमारा हिंदी साहित्य देखने को मिलता है या जो द्वैती युग में आगे चल करके जो हमारे हमारा साहित्य आता है उसका मूल हमको भारतेंदु में दिखाई देता है। और भारतेंदु को ये पता था, ये समझ थी कि कैसे हमें आगे चल के इस साहित्य को विकसित करना। कई बार ऐसा होता है कि साहित्य में जब नई प्रवृत्तियाँ आती है तो हमको एहसास नहीं होता कि हम कुछ नया कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। ये अच्छा है बुरा है ये मालूम नहीं, लेकिन हमको हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए कुछ करना, लेकिन ये पता नहीं होता। भारतेंदु युग की सबसे बड़ी विशेषता है आत्मचेतना। वो जानते थे कि वो क्या कर रहे, वो किस तरह हिंदी साहित्य की नींव नहीं बना रहे, हिंदी साहित्य की भाषा नहीं बना रहे, हिंदी को अनेक प्रकार की विधाएं नहीं दे रहे। और इस समझ के साथ पत्रिकाओं का प्रकाशन, विधाओं का प्रकाशन आदि ये जो सारे काम है, इसके कारण जो भारतीय युग है वो हिंदी साहित्य का बहुत ही ऐतिहासिक युग है।